आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कैबेज का पकौड़े, जिसको बंदा गोभी भी बोलते हैं। ये देखिए बंदा गोभी है, बहुत बड़ा था, मैंने उसमें से आधा लिया है पकौड़े के लिए। और अदरक लहसुन हरी मिर्च भी मैं साइड में रखी थी। ये देखिए इसको कद्दूकस कर लेना है बंदा गोभी के। ये तीनों अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों बराबर बराबर रखना है और तीनों को ग्राइंड कर लेना है। और देखिए दो दो चम्मच हरी मिर्च तो अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको तीखा चाहिए जैसा चाहिए। दो दो चम्मच मैंने सब ऐड कर लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च। देखिए अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये कलर फूड है, फूड कलर, ये डालने से ना पकौड़े का कलर चेंज हो जाएगा। ये चाइनीज पकौड़े हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, सिंपल सा है, बहुत कुछ नहीं डालना होता है इसमें, बहुत सिंपल सा है। अब बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार बनाएंगे ना बार बार मन करेगा कि मैं खाऊँ इसको। अब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी, ये देखिए मैदा और अरारोट पाउडर। इसमें ऐसा है ना, आप लोग को लगेगा ना कि मैं मैदा कितना डालूं, अरारोट पाउडर कितना डालूं, तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे 3 चम्मच आपको मैदा डालना है तो उसमें से 1 चम्मच ही अरारोट पाउडर डालना है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं ना कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा ही इसको डालना है, मतलब ज़्यादा मैदा रहेगा क्वान्टिटी में, ज़्यादा क्वान्टिटी में मैदा रहेगा और कम क्वांटिटी में ये अरारोट पाउडर रहेगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सब अच्छे से मिल जाए। देखिए ये हो गया बढ़िया से, इसको बिल्कुल पानी नहीं डालना है इसमें, बढ़िया से इसको मिला देना है। अगर आप लोग को बीच में मैश करते टाइम कम बेसी लगे तो आपको मैदा या अरारोट पाउडर डाल देना है। ये तीनों मैंने रख ली हूँ, लहसुन अदरक हरी मिर्च, ताकि इसी का चटनी भी बनेगा। पकौड़े के साथ चटनी भी तो ज़रूरी है ना, बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है इसका। ये देखिए रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन, सबसे पहले लहसुन डालना है, लहसुन का पेस्ट डालना है। अब इसको ना, इसका कलर जब तक चेंज ना हो लहसुन का, तब तक इसको भूनते रहो। देखिए इसको अच्छे से भूनते रहो, जब इसका कलर चेंज हो जाए, देखिए अब इसमें मैं अदरक डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, अदरक हरी मिर्च। ये देखिए इसमें वो भी कलर फूड भी डालूंगी ताकि चटनी रेड हो जाए, देखने में अच्छा लगता है रेड कलर। अभी मैंने नमक ऐड किया, आप लोग तो स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे चटनी में। अभी मैंने फूड कलर डालूंगी, देखिए इसको 1-2 मिनट तक भूनना है। जो मैं इसमें पानी डालूंगी ना, उस पानी में 1 चम्मच अरारोट पाउडर घोल देना है। देखिए 1 गिलास मैंने पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच अरारोट पाउडर मिला देना है उसमें, ताकि चटनी इससे ना गाढ़ी बनती है। देखिए अब इसको धीमी आंच पर पका लेंगे चटनी को, धीमी आंच पर। जितने अच्छे पकेगी ना उतने ही टेस्टी लगती है पकौड़े के साथ। जो मैंने पकौड़ा तल रही हूँ, देखिए तल भी गया।